ऑब्जेक्ट व्यू। ऑब्जेक्ट व्यू के लिए पेशेंट को टेबल को ट्यूब को टेबल के साथ सेंटर में लाया, ठीक। पेशेंट को टेबल की मिड लाइन पर जाते हैं सोपाइन पोजीशन पे। एक उचित साइज की कैसेट को उससे पहले ध्यान देते हैं कि बेल्ट वगैरह जो भी है तावीज वगैरह इसको आउट करते हैं, जो भी रेडियो पे मटेरियल हो उसको सबको आउट करते हैं। एक उचित साइज की कैसेट लगाते हैं बखी में लेंथ वाइज, ठीक। बखी में एक कैसेट को लगाया लेंथ वाइज, बखी को टेबल के साथ सेंटर पे, बखी के साथ कैसेट को सेंटर में लाया, ठीक। अब करना ये होता है इसमें लैटरल पोजीशन, जैसे हमने बताया था पहले कि ये लैटरल पोजीशन है, तो लैटरल पोजीशन से इसको क्या करते हैं, लैटरल पोजीशन जो होती है वो टेबल की लाइन से 90 डिग्री होती है बॉडी की लाइन, इसको कर देते हैं 45 डिग्री। ये टेबल के साथ 45 डिग्री एंगल किया, सेंटर L3 रीजन पे किया, ठीक। कैसेट की अपर बॉर्डर इलेक्ट्रिस्ट के लेवल पे किया, इलेक्ट्रिस्ट के लेवल पे किया अपर बॉर्डर, ये लोअर बॉर्डर, अपर बॉर्डर ऑटोमेटिक हो जाती है, अपर बॉर्डर अप्लाई का सीजन तक होती है, ठीक। पुश किया, साइड मार्क लगाया, चूंकि ये राइट साइड क्लोज कॉन्टैक्ट है टेबल के साथ तो राइट मार्क लगाया जाता है अंदर की तरफ, ठीक। सेंटर की L3 पे उचित फैक्टर लगाया, जिस पे कंट्रोल पैनल पे पेशेंट को एक्सपोजर से पहले श्वास रोक के रखने की हिदायत दी, ठीक, और एक्सपोज किया। तो ये है लंबर स्पाइन ऑब्लिक व्यू, क्लियर।